नमस्कार दोस्तों, नट बोल्ट बनाने वाले पहले हमने आज से 3 साल पहले वीडियो बनाया था जो आपको काफी पसंद आया और उसमें काफी सारे जो हमारे सुनने वाले श्रोता थे, देखने वाले थे, उनको उन्हें उनके काफी सारे सवालों के जवाब जो हमने देने हैं वो आज हम देने इसके पार्ट टू में है। नट बोल्ट का ये वीडियो पार्ट टू में बना रहे हैं। इसके बारे में हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि हमें बताइए कि कौन कौन सी मशीनें प्रयोग की जाती हैं इसके लिए, उनका क्या काम होता है और हमें जो है मशीनें कहाँ से मिलेंगी, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक होती है डबल स्टोक वाली मशीन होती है जिसमें क्या करते हैं कि ये जैसे कील बनाई जाती है, इस कील में जो एक लोहे की तार है, एक लंबी लंबी इसकी तारें होती हैं। डबल स्टोक मशीन से क्या होता है कि अगर आपको 1.5 इंची 2 इंची जितनी भी आपको कीले की जरूरत है या जितना साइज की जरूरत है उस हिसाब से कटती जाती हैं अपने आप ही। डबल स्टोक की मशीन से ये कटती जाती हैं और उसके बाद इसके ऊपर किसी हथौड़ी से या किसी ऐसी भारी चीज से इसके ऊपर दबाव दिया जाता है जिससे ये इनकी ऊपर ये टोपी सी बन जाती है कील की। ये देखिए, ये बन जाती है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है एक ट्रिमिंग मशीन की, जैसे कि हमारा जैसे ये जो नट है इसमें अलग अलग खांचे से बने हुए हैं कसने के लिए, प्लास से पकड़ कसने के लिए, तो इसमें ट्रिमिंग की जाती है, इसको साइज आकार दिया जाता है ट्रिमिंग मशीन के लिए। और उसके साथ साथ रोलिंग मशीन होती है, रोलिंग मशीन जिसमें क्या है कि ये देखिए इसमें चूड़ी जो बनाई गई है उनमें डाई लगी होती है। रोलिंग डबल एंडिंग मशीन में डाइयां बनी होती हैं जिसमें कि जिसमें डाइयों में चूड़ियों का आकार दिया होता है और जैसे ही ये किले तैयार होती हैं उनको दबाव से उसके अंदर चूड़ियों का आकार आ जाता है और इनको फिर पॉलिश वगैरह करके आप आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम ये बता रहे हैं कि आपको ये मशीनें कहाँ से प्राप्त होंगी। तो ये मशीनें प्राप्त होने के लिए आपको बम्बई वगैरह शहरों में काफी सारी फैक्ट्रियां हैं जो ये मशीन तैयार कराती हैं। अमृतसर में भी हैं, अगर आप इधर रहते हो तो केबी आर्ट वाले हैं, एक मशीनें बनाते हैं और आप उनसे भी ले सकते हो। और मुंबई में, बड़ौदा में भी काफी सारी इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये मशीनें बनाई जाती हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप इसी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो और हार्डवेयर की दुकानों में चले जाओ कि उनका मशीन हमें लेनी है, आप हमें कहाँ से मिलेगी, बड़ौदा में कहाँ पे है, मुंबई में कहाँ पे है, काफी सारी बिल्डिंग है वहाँ पे इनके ऑफिस है, मिल जाती है। और इसके अलावा कच्चा माल जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये कच्चा माल आपको बम्बे के जो बड़ौदा है वहां से भी आपको मिल जाएगा। ये कोई ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, काम करने के लिए अपना मन बनाना पड़ेगा और आप एक बार निश्चय कर लें कि हम ये इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करके रहेंगे और आगे बढ़ के रहेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए। बहुत इन नट बोल्ट का बहुत ही बिजनेस बढ़ रहा है, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रहा है और ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमेशा प्रॉफिट का ही है। सस्ता लोहा आपको मिल जाएगा, उनमें आप डाइयां वगैरह लगा के इसमें लगा के आपको पुराना भी बिकता है, नया भी बिकता है, जो आपका लोहा कम रेट पे आता है और इसके 4 गुना 5 गुना दाम के साथ आपका ये नट बोल्ट का बिजनेस चमकता जाता है और आप काफी तरक्की कर सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल में आते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।